जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत विकासखंड वजीरगंज के ग्राम के परसिया बाबा पुरवा में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की धज्जियां विद्युत विभाग उड़ा रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनता की सुरक्षा एवं संचार के साधन को और बेहतर बनाने के लिए सौभाग्य योजना के अंतर्गत सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। वहीं सरकार स्वयं गरीबों के घर पर आकर फ्री में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा उनको मुहैया कर रही है, लेकिन ग्राम में बिजली का खंभा, हर घर में मीटर तो विद्युत विभाग ने एक वर्ष पहले ही लगा दिया, लेकिन ग्रामवासियों को इस भीषण गर्मी में जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है विद्युत कनेक्शन की, अभी तक ग्राम में विद्युत सप्लाई ही नहीं चालू की गई। वहीं ग्रामवासियों ने अपने शब्दों में टीवी वन इंडिया न्यूज को बताया कि सप्लाई चालू नहीं की गई और बिजली का बिल जमा करने को ग्रामवासियों को और उनके दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी लोगों को विद्युत बिल भी देने आए और कहा कि आपको बिल जमा करना है। ग्राम प्रधान के ग्रामवासियों ने कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों से विद्युत सप्लाई चालू करने के लिए अनुनय विनय भी किया। विद्युत विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन विद्युत विभाग अपनी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा। दादा आपका नाम? बाबादीन पांडे। आज हम इस समय किस गांव में खड़े हैं? परसिया परेकपुरवा। अच्छा, विकास खंड क्या लगता है? वजीरगंज। जनपद? गोंडा। क्या समस्या आ रही है आप? समस्या आ रही कि एक साल से हमारे यहाँ खंभा गड़ा है, आज तक बिजली यहाँ नहीं आई। हर अधिकारी हर सबसे कह चुके हैं, लेकिन कोई इसका वो नहीं देख रहा है। ठेकेदार बोलते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हैं? और एक साल पूरा हो गया, आज तक हमारे यहाँ बिजली नहीं, मीटर काल तक 8 महीना हो गए बंधे। लोग कह रहे हैं कि मैसेज आ रहा है, दो चार आदमी के यहाँ बिल भी आई, बिल वापस लेकर चले गए। यही समस्या है मेरे पास, मतलब मीटर का कनेक्शन जो है नहीं लगा और बिल आ गया। बिल आ गया। अच्छा, आपने आज से पहले कहीं शिकायत भी की है? उच्च अधिकारियों को आपने सूचित किया? हाँ, मैं अपने प्रधान जी से किया, विधायक के यहाँ किया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि तत्काल हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए। दो मीटर अगल, दो मीटर ढाई मीटर अलग, इधर उधर पूजे चारों तरफ लाइट जल रही है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि 250 मीटर इधर और 300 मीटर इधर लाइट का कनेक्शन है? है, लेकिन मेरे गाँव में ही खंभा गड़ा एक साल से पड़ा है, आज तक लाइट नहीं यहाँ जल रही है। अच्छा, आपका नाम? कृष्ण कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहते हैं? मेरे साथ जून महीने में खंभा गड़ा हुआ है और जून महीने से खंभा गड़ने के बाद आज तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ। अगले साल जून महीने में गड़ा था खंभा? 18 में खंभा गड़ा है, 2018 में। जी जी। और मीटर भी जैसे अभी मीटर आकर लगा गए, आधार कार्ड और सब लेकर चले गए, सबके यहाँ बिल आ रही है। कितना दिन हुआ मीटर लगे हुए? 8 महीने। 8 महीने तत्काल लगा। बिजली ना लगने से आपको क्या समस्या हो रही? गहम लागत है, जो नहीं हमारा नहीं, खेती किसानी का काम वो भी बात। आपका नाम? जी सुखदीन निशान। क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे घर पे वो बिजली का खंभा लग गया और मीटर भी लग गया था और बिल आया है, लेकिन बिल दिए नहीं, लेके चले गए। जब देखे अगर तार नहीं लगा है तो इसके लिए बिल देके लेके चले। मतलब बिजली लगी भी नहीं और बिल आने लगी? हाँ, बिजली लगी नहीं, बिल आने, खंभा गड़ा हुआ है, खंभा गड़ा, मीटर भी लगा हुआ है, मीटर भी लगा हुआ। जब वो बिल लेके आए थे तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? जी, वहाँ पे खड़े हुए थे, बस देखे अगर लाइट नहीं लगा है, मतलब बोल के बस चले गए। आपसे उन्होंने ये बताया कि ये है बिजली का बिल आपके पास आया हुआ है? हाँ। तो आपने क्या कहा? तो मतलब हम नहीं थे, वो हमारे मतलब गांव वाले थे, तो वो लोग बोले जे हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है तो बिजली का बिल कहाँ है, बस वो लोग चले गए। अच्छा, नहीं, ये तो सही बात है। अच्छा, ये विद्युत विभाग के अधिकारी आए थे कि कोई प्राइवेट ठेके वाले आए थे? नहीं, विभाग वाले आए थे, जो बिल लेके आज बिल बांटते हैं, इसका इंचार्ज मतलब यहाँ पे वो होगा, वो लेके आए थे। आपकी क्या समस्या है? हमारा नाम अखिलेश कुमार है। हमारे मिसेज के नाम हमारे यहाँ कनेक्शन है और हमारे घर पे आए थे बिजली का बिल वसूलने, हम लोग थे नहीं, वो बिल वापस लेके चले गए। बिल जमा करने के लिए गए वहाँ निकालने के लिए, तो नेट नहीं काम कर रहा था इसलिए बिल नहीं निकाल पाए। और मतलब बिजली लगी भी नहीं है, लगी भी नहीं है हमारे यहाँ, खंभा गड़ गया है, मीटर भी लग गया है, बिजली नहीं लगी है। कितना दिन हो गया हो रहा है? अच्छा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारी सौभाग्य योजना के तहत हमारा गांव प्रकाशित हो और हम लोग उसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री की जो ये योजना थी आप तक नहीं पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई अभी तक। रेडी सर, आप महिलाएं हैं,
और सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री जी ने गाँव में बिजली की व्यवस्था की हुई है और उन्होंने ये बताया है कि सन 2019 तक जो है हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। तो क्या आपके गांव में लाइट नहीं है? नहीं है। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या है, नान नान बच्चे परेशान हैं, हम सब परेशान हैं लाइट की वजह से। गर्मी इतना पड़ रही है और मोबाइल पर मैसेज आ रहा है तो का सरकार भी है। सही कह रहे हो आप, समस्याएं तो होती ही है। ये बिजली का खम्भा जिसे मैंने उन लोगों से बयान लिया है, तो ये खम्भा लगभग कितने वर्षो में बना? साल भर। और मीटर? मीटर 6 महीना तक नहीं होगा। अच्छा, आपके यहाँ से जो दूरी है जहाँ पे लाइट का कनेक्शन है, तो ये कितने गांव में अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं पहुँची है? अब यहाँ हमारे गांव में नहीं है, नटपुरा में है। अच्छा, और यहाँ से कितनी दूरी पड़ती है? अरे वहाँ वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, 300 मीटर दूर, लगभग 300 मीटर की दूरी पे लाइट है। आपके गाँव में सिर्फ लाइट की व्यवस्था नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव के साथ प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, गोंडा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जहां इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं लगभग 25 यात्री घायल हैं, जिसमें से 5 यात्रियों की हालत ज्यादा गंभीर बनी है, जिसे तत्काल जिला अस्पताल शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि यह हादसा खुटार तिकोनिया से निकले आसाम लखनऊ लखीमपुर पीलीभीत नेशनल हाईवे के टोल टैक्स के पास गाँव सिरुहा का है, जहाँ एक प्राइवेट बस जो की दिल्ली से बहराइच के लिए जा रही थी, जहाँ नेशनल हाईवे पर बनी एक पुलिया से अचानक टकरा गई, जिसमें मौके पर 2 यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। साथ ही उन्हें खुटार पीएचसी के लिए डॉक्टरों ने सभी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। मरीज हमारे पास आए थे, एक है रीना, दूसरों हरसीमा, दोनों एक बाबू की बेटियां हैं, उनके काफ़ी चोट लगी एक्सीडेंट में, इनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। इसके पहले एक सुरेंद्र करके आए थे, वो भी एडमिट कर दिया। ये सुबह का मामला है, थाना कुटार क्षेत्र में एक बस के ड्राइवर ने जो भी अनियंत्रित होकर के पुलिया से टकरा गई, जिसमें मौके पर दोनों की मृत्यु की सूचना है और कई घायल हैं। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है, संबंधित पुलिस और अधिकारी मौके पर हैं, आवश्यक कार्रवाई की जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब शाहजहांपुर की तहसील व कोतवाली जलालाबाद क्षेत्र में सपा नेता विजेंद्र यादव के बेटे का शव एक खेत में मिट्टी से सना पड़ा मिला, जहां सपा नेता विजेंद्र ने अपने बेटे की हत्या का आरोप अपने विरोधियों पर लगाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि किन किन लोगों का मेरे बेटे की हत्या में षड्यंत्र और हाथ है और किन किन लोगों ने उनके बेटे को बुलाकर हत्या को अंजाम दिया है। मुझे उन सभी हत्या आरोपियों और षड्यंत्रकारियों लोगों के विषय में जानकारी मिल गई और जिसकी हम पुलिस को अपनी तहरीर में लिख कर देंगे। वही हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक हम हत्या आरोपियों को सजा दिलाकर नहीं रहेंगे। वही जहां पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कोई शक की गुंजाइश ना रही इसी रात्रि में ही डॉक्टरों के पैनल के जरिए पोस्टमार्टम कराया, तो वहीं पुलिस ने सपा जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र यादव की तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी गयी। घटना शाहजहांपुर की तहसील व कोतवाली क्षेत्र के एलम नगर गाँव की है, जहाँ सपा नेता व जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र यादव के बड़े बेटे विपिन यादव का शव गाँव के एक खेत में मिट्टी से सना मिला, जहाँ उसके मुंह से झाग निकल रही थी, वह पूरा मिट्टी में सना था। उसके शव को देखकर सपा नेता विजेंद्र यादव ने कहा कि उनके बेटे विपिन यादव की हत्या कर उसे यहां फेंका गया है। साथ ही उनका आरोप यह भी है कि हमारे बेटे को पूरे रचे हुए षड्यंत्र के तहत घर से बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जहां इस मामले में उन्होंने पुलिस को मौखिक रूप से भी बताया कि हमारे बेटे की जिन लोगों ने हत्या की है या लोग इस हत्या में शामिल है, हम उनके विषय में आपको जल्द से जल्द जानकारी देंगे। वहीं सपा नेता विजेंद्र यादव के बेटे की हत्या की बात सुनकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी मौके पर सांत्वना देने पहुंचे। खन्ना ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान को अवगत कराते हुए इस प्रकरण को गंभीरता से लेने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में गहराई से छानबीन की जाए और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाए। उसमें बहुत षड्यंत्र के तहत हत्या हुई और उसको फोन करके किसी ने बुलाया और बुला के कहीं उसको दबा के कहीं हत्या कर दी। अभी कुछ जानकारियां मिल रही हैं जो लोगों ने घटना देखा है समझा है उसके बारे में जानकारी मिल गई है,
और कुछ भी जानकारी थोड़ी बाकी भी हम जुटा रहे हैं और उनके अभी हम नाम नहीं बता सकते। क्या लगता है आपको, आपको क्या आरोप है, किन लोगों का हत्या कर सकते हैं, कौन लोग? अब जिन लोगों ने हत्या की है उनके बारे में अभी हम नाम नहीं बता सकते, जानकारी धीरे धीरे आ गई है, आ रही, और जो लोग मौका पर थे उनके भी द्वारा पता लग गया है, जो लोग देखे गए सब कुछ पता लग गया, जानकारी मिली, लेकिन नाम अभी हम ओपन नहीं करना चाहते हैं। लगा रहे हैं सरकार की तरफ से यहाँ के अधिकारियों का दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैंने तो यही कहा है कि जो भी दोषी हो वो बचने न पाए किसी हालत में, ये बहुत गंभीर मामला है। 32 साल का नौजवान बेटा, उसकी हत्या हुई है। इस घटना पर जितना दुख प्रकट किया जाए वो कम है, और यही बात मैं भी जो जिनकी हत्या हुई उनके पिता श्री से बात कर रहा था कि आखिरकार कैसे, क्यों, क्या घटना का क्या कारण था, इसी संबंध में जानकारी कर रहा था। सर यहाँ पे जो है विजेंद्र यादव हैं सपा नेता, उनके बेटे की हत्या बताई जा रही है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? एक युवक का डेड बॉडी मिली हुई है, इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, विधिवत पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य निकल के आएगा, अभी परिवार वाले तहरीर दिया नहीं है, दे रहे हैं, जो भी तथ्य निकल के आएगा सब कार्रवाई की जाएगी। और क्या बता रहे, कोई पत्रकार पे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके को, जो भी है इसको जो तहरीर देंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। जनपद जालौन में ईदगाह कब्रिस्तान के मैदान में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज अदा की, वहीं जालौन के डीएम मन्नान अख्तर ने भी नमाज अदा की। इसी के चलते डीएम मन्नान अख्तर ने हिंदू मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद दी और गले लगकर भाईचारा बनाए रखने के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही मन्नान अख्तर व पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद और अपर पुलिस और अन्य अधिकारी सहित जिले के सभी दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन समेत हजारों लोगों ने मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इसी के मद्देनजर रखते हुए डीएम मन्नान अख्तर व पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद और अपर पुलिस और अन्य अधिकारी सहित जिले के सभी दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता समेत हजारों लोगों ने मिलकर एक दूसरे को मिलकर बधाई दी और एक साथ चलने की भी बात कही। वहीं जनपद जालौन की जगह जगह पुलिस कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गयी। उसी की खुशी में तो मेरी सबको पूरे जनपद वासियों को बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने में बहुत ज़्यादा है, तो मेरी सबसे ये अपील भी है कि ईद के मौके पर जो है एक और जो है काम से सलाह मिलेगा वो हम पेड़ लगाएंगे, जितना ज़्यादा वो जो है सबाब आपके मरने के बाद भी बेहतर है। आप भले ही मरते हैं लेकिन जो पेड़ आपका, जैसे आज आप लोग देख रहे हो गर्मी की वजह से लोग जो है फसल में खड़े होने के बजाय जो है पेड़ों के नीचे खड़े थे, जब तक पेड़ होंगे उन्हीं के नीचे खड़े होंगे, तो जब तक वो पेड़ यहाँ लगे रहेंगे या कहीं पर लगे रहेंगे, जब तक जो है हाथ होते रहेंगे तब तक आपको जो है सबाब मिलते रहेगा। तो एक सबाब का काम जो है ये करें कि एक पेड़ को देखिए फिर और उनको फिर से टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 जून को पन्नूगंज थाना पुलिस ने मुकदमा संख्या 59/19 धारा 31 गैंगस्टर एक्ट में वंचित अभियुक्त सोनू उर्फ अनिल कुमार मौर्य पुत्र राधेश्याम निवासी कुसी थाना शाहगंज को सुबह बेलखुरी तराहा से गिरफ्तार किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र। आज फरुखाबाद के कायमगंज ब्लॉक पहुंचे सांसद मुकेश राजपूत का कायमगंज रोड शो में भव्य स्वागत किया गया। कायमगंज के पुलिया पर नगरपालिका चेयरमैन सुनील चक ने फूल मालाओं से स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। वहीं मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कठेरिया, जिला महामंत्री सतीश साह, युवा मोर्चा के महामंत्री पिंटू राठौर, अखिल साह के आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अश्विनी साह की रिपोर्ट, कायमगंज फरुखाबाद।